नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सूबे के अंतिम सरहदी सीमांत नगर जोशीमठ में भी धनतेरस पर्व पर बाजारों में भीड़ उमड़ी रही, लेकिन मुख्य बाजार में स्थानीय छोटे बड़े वाहनों और बद्रीनाथ धाम यात्रा से लौट रहे यात्री वाहनों की आवाजाही से लग रहे ट्रैफिक जाम के चलते दूर दराज गाँव से जोशीमठ बाजार धनतेरस और दीपावली त्योहार के लिए खरीदारी करने पहुंचे ग्रामीणों और स्थानीय लोगों को दुकानों के बाहर खड़े होने तक में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा। बाजार में चलते वाहनों से आवाजाही तक करने में खासी परेशानी हुई लोगों को, जिससे जरूर धनतेरस पर्व पर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कुछ नाराजगी देखने को मिली। हालांकि सीमांत के इस एकमात्र मुख्य बाजार में सुबह से ही धनतेरस को लेकर खासकर महिलाओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई। खासकर बर्तन की सजी धजी दुकानों और इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों पर सबसे अधिक भीड़ दिखाई दी। लोगों ने अपने घर के किचन के लिए दैनिक जरूरत की चीजों की खूब खरीदारी की और बड़ी हुई भीड़ देखकर दुकानदारों में भी खुशी देखी गई। बाजार और महिलाएं काफी खरीदारी करने आ रही हैं, पिछले साल से ज्यादा अच्छा है और धनतेरस का मौका है, बढ़िया सेल हो रही है, बाजार में भीड़ भाड़ अच्छी हो रही है, महिलाएं काफी आ रही है। पहले मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ धनतेरस की, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि पिछले साल की हम कंपेयर करें तो पिछले साल हम लोगों को बड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि पिछले साल जो है कोरोना के चक्कर में इतनी मार लग गई थी कि रोजी रोटी पे लाले पड़ गए थे। लेकिन अब की बार बाजार में जिस तरह से माहौल दिख रहा है, उस तरह से मार्केट में महिलाओं का आना जाना बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस साल उम्मीद है कि भगवान बद्री विशाल भगवान नरसिंह से बड़े उम्मीदें हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे कि अब की बार थोड़ा सा उम्मीद है, जगी है कि धनतेरस और दिवाली बहुत अच्छी जाएगी।